कि आज आप सोच रहे होंगे कि या कोई ट्रैवल होगा या फूड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज ना ही ट्रैवल व्लॉग है ना ही बर्फ व्लॉग है। आज का व्लॉग ये है कि एक साल पहले ही इस दिन मैंने अपना पहला व्लॉग जो है शूट करके डाला था। ये जो एक साल की जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन थे। जब मैंने शुरू में मैंने वीडियो डाली थी तो वो काफ़ी अनप्रोफेशनल थी, बिल्कुल हर किसी की अनप्रोफेशनल होती है क्योंकि एक जो स्टार्ट है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कमियां होती हैं। पर उन कमियों के साथ साथ मैंने धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लिए और ग्रो किया मैंने। और इस बीच मुझे लगता है काफ़ी लोग ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, उन्होंने मेरी वीडियोस शेयर की, आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा मुझे, और ये चीज़ मुझे इतना खुश करती है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज ट्रैवल एंड वर्क को पूरा एक साल हो गया है। और इस एक साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा बहुत सी चीज़ें सीखी। मैं जब व्लॉग में आई थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, और मैं अपने ही केस में नहीं, मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ कि जो चाहते हैं व्लॉग बनाना, जिनको शौक है, जो चाहते हैं कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो पढ़ाई की वीडियोस बनाए, अगर घर पे अच्छा कुछ खाना बनाता है, जिसको बहुत शौक है घर पे कुछ बनाना, तो वो कहीं भी इनिशिएटिव अगर कोई भी सोच रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक छोटा सा इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, बहुत पेशेंस चाहिए है। और सबसे बड़ी बात है चैनल को मेंटेन करना, क्योंकि चैनल अगर बनाते हैं तो ज़्यादातर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि YouTube जो है उसमें रेगुलर वीडियोस जो हैं चाहिए होती हैं, जो उस कंटिन्यूटी की वजह से भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो शायद वीडियोस नहीं बनाते हैं। पर मैं कहूँगी कि अगर आपको इन चीज़ों का शौक है तो कम से कम एक छोटा सा इनिशिएटिव लें, ताकि आप आगे ग्रो कर सकें, आप लोगों की बातों में ना आकर अपने उस टैलेंट को आगे लाइए। और जब मैं व्लॉग में आई थी, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं थी, मैं बिल्कुल अनप्रोफेशनल थी। टाइम के साथ साथ मैंने सब कुछ धीरे धीरे जो कहते हैं सीखा, और धीरे धीरे करके मैंने अपनी एडिटिंग का थोड़ा स्किल्स पे ध्यान दिया, और अगर मैं अपने कैमरा की बात करूँ तो मैंने जो सारी अभी तक की जो वीडियोस है वो सब की सब वीडियोस मैंने अपने कैमरा में, अपने फ़ोन कैमरा में शूट किए हैं। मैंने जो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब के लिए कोई सोर्स चाहिए है, कोई कैमरा चाहिए है, कि हमारे पास कैमरा नहीं है, ये प्रोफेशनल DSLR नहीं है, तो मैं कहूँगी कि मैंने जो है अपना जो YouTube ब्लॉगिंग है मैंने अपने कैमरा से शुरू किए हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए, और मैं सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी जो मुझे सपोर्ट जिन्होंने किया, जो मेरी वीडियोस को शेयर करते थे, जो मेरी वीडियोस को देखते थे, उन लोगों का भी जो लोग बताते थे कि मेरी कमियाँ क्या है, अगर वो मेरी कमियाँ नहीं बताते तो शायद मैं इतना इम्प्रूव नहीं कर पाती। और अगर आप मेरी फर्स्ट ब्लॉग से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। ये चीज़ें टाइम लेती हैं। तो ट्रैवल एंड वर्क का जो एक आइडिया है बहुत रैंडम आइडिया था, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बैठ के, जो मतलब ऐसा था कि चलो ठीक है मैं एक चैनल स्टार्टअप करूँगी, तो ये बिल्कुल एक रैंडम आइडिया था। और इस चैनल की वजह से ही मैं इस एक साल में मैं बहुत नए लोगों से मिली, ट्रैवलर्स, फूड ब्लॉगर्स, जो जम्मू के ब्लॉगर्स हैं, और जो मतलब अगर ये मेरा चैनल शायद नहीं होता तो मैं शायद ही जो ये ब्लॉगर्स की कम्युनिटी बनी है मैं इस पे नहीं आ पाती। मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच सबको, क्योंकि ट्रैवल एंड वर्क अगर चल रहा है तो आप सबकी बदौलत चल रहा है, आप लोगों के व्यूज़ के वजह से, आप लोगों के प्यार के वजह से, आपकी सपोर्ट के वजह से। आप बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल या मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ, या मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं कोई गलती नहीं कर पाऊँ, मैं कुछ भी, मुझे कई बहुत काम करना है इस चीज़ पे। अभी तो मैंने एक इनिशिएटिव ही लिया है, एक साल का इनिशिएटिव, एक साल हो गया, पर अब मैं आने वाले टाइम में बहुत कुछ सोचा है मैंने। आई होप आप मेरी वीडियोज़ ऐसे ही पसंद करते रहें, देखते रहें,
शेयर करूँ. थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर सभी को. बाय बाय.